मोबाइल चलाया जा सकता है, टीवी देखा जा सकता है, फेसबुक चलाया जा सकता है, व्हाट्सएप पे घंटों चैट किया जा सकता है, इंस्टाग्राम चलाया जाता जा सकता है, घंटों फोन से बातें किया जा सकता है, सोया जा सकता है, खाया जा सकता है। तो आखिरकार यार पढ़ाई करते 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 नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं किया जा सकता? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है आखिरकार? पढ़ाई करते करते आप उसी में से अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से घंटों चैट कर चैटिंग कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो फिल्म देख लेते हैं, न्यूज देख लेते हैं। तब जब पढ़ाई करते करते ये सारी चीजें हो सकता है, तो आखिरकार पढ़ाई करते करते नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं हो सकता? क्या प्रॉब्लम? पार्ट टाइम में, हाफ टाइम में, घंटे घंटे? अगर अभी देखेंगे ना, तो विकसित देशों को अगर देखा जाए मॉडल, तो विकसित देशों में ना 18 साल के बाद होते, 18 साल होते होते वो आखिरकार इंडिपेंडेंट क्यों हो जाते मालूम है? और जब वो पढ़ाई करते करते मालूम है क्या करते हैं? एक घंटा मैकडॉनल्ड के दुकान पे काम कर लेते हैं, दो घंटा वहां काम कर लेते हैं, और वहीं से अपना पॉकेट मनी निकालते हैं। लेकिन हमारे देश के गार्जियन है ना, हमेशा नाक और सर ऊपर है। हम अपने बच्चे को पढ़ाने के समय में कुछ नहीं कर सकते। जितने भी विकसित देश हैं, वहां के लोग 18 बरस अगर देखा जाए होते 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 हुए वो खुद पे डिपेंडेंट हो जाता है, खुद पे डिपेंडेंट, आप पेरेंट्स पे नहीं। लेकिन अगर देखा, जिन लोगों को अभी के समय में नेटवर्क, जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग समझ लिया, MLM समझ लिया, DXN को समझ लिया, जिन्होंने ये समझ लिया कि किसी भी काम के साथ साथ इसको किया जा सकता है, इसको कोई भी कर सकता है, डिग्री है तो भी चलेगा, पढ़े लिखे हैं तो भी चलेगा, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी चलेगा, पूंजी है तो भी चलेगा, पूंजी नहीं है तो भी चलेगा। जिन लोगों ने ये समझ लिया, जिनको समझ में आ गया है किसी भी काम के साथ इसको किया जा सकता है, कोई भी आदमी इसको कर सकता है, वो लोग, उसको ये भी समझ में आ गया कि इससे वो लोग, वही जिन लोगों को ये समझ में आ गया ना, वो आज DXN से, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से एक्स्ट्रा इनकम ले रहे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रहे, फाइनेंशियली फ्री भी हो रहे, वो एक्स्ट्रा इनकम ले रहे, फाइनेंशियली फ्री हो रहे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे। लेकिन तो कुछ लोग ये कर रहे हैं, तो क्यों नहीं है? जब कुछ लोग इस काम को कर रहे हैं, तो आखिरकार हर लोग इस बात को, हर लोग अगर इस बात को समझे कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, DXN में अगर हमने समय देना शुरू किया, इसको करना शुरू किया, तो आने वाले कुछ समय के अंदर हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते और एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। तो आने वाला समय में वो एक दिन हो DXN से, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, वो एक बेहतरीन जिंदगी जी सकता है, क्योंकि मैंने देखा, मैंने 18 साल के ही उम्र में मैंने DXN को ज्वाइन किया और 19 बरस के उम्र में मैंने DXN में मिलेनियर बन गया, लखपति बन गया, मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। आप खुद सोचिए, मैंने बहुत ही कम समय के अंदर मेरे पास कार आ गए, मैंने विदेश यात्राएं करनी शुरू कर दी, शुरू हो गया, हवाई जहाज घूमने का मौका मिला, देश दुनिया घूमने का मौका मिला, इधर उधर, आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं। बस मैंने सोच अपना बदला, एक्चुअली मेरा भी सोच अलग था, मेरा सोच था इंजीनियर बनना, IIT को क्रैक करके इंजीनियर बनना, एक अच्छी सी नौकरी लेना, एक अच्छा सा इनकम बनना, मेरे घर वाले लोगों को भी बस वही सपना था, पढ़ाई लिखाई करके एक इंजीनियर बनना। लेकिन अरे इंजीनियर भी बन पाएंगे हम कब? कोई भी काम हम कर पाएंगे कब? जब ये हमारा शरीर सही रहेगा तब।
इसी के लिए डीएक्शन जो है ना, हमें हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, डीएक्शन का हमारा कॉन्सेप्ट ही है, डीएक्शन का हमारा टैगलाइन ही है। हमें सेहत भी देता है, दौलत भी देता है, और जब हमारे थोड़े से मदद के कारण लोगों के जीवन में बदलाव आता है तो भरपूर हमें खुशियां भी मिलता है। खुशियां बाई प्रोडक्ट है, ये सभी पैसा दौलत सब बाई प्रोडक्ट है डीएक्शन। अगर आपने इसको समझने का कोशिश किया तो हम आपको बता दें, जिस दिन हमारे देश की यूथ को, युवाओं को ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में समझ में आ गया, हमारा देश फिर उन सभी विकसित देशों में शामिल हो जाएगा। हमारा अगर देखा जाए तो अभी नरेंद्र मोदी जी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री इन इंडिया को, अरे हम 5 ट्रिलियन डॉलर हम जा सकते हैं, हमारा इकोनॉमी बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि यह स्कोप है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट करने वाला कोई इंडस्ट्री अगर है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, MLM। बस इसके लोग धीरे धीरे इसके बारे में अब समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग, जब मैंने डीएक्शन को ज्वाइन किया 2015 में, तो उस समय देखा जाए तो उतने सारे लोग नहीं थे, यंग लोग नहीं थे। मैंने भी इसको करना शुरू किया, फिर हमें, मैंने जब यहाँ पे सफलता हासिल की तो हमें देख करके कई सारे लोग आज डीएक्शन में मिलेनियर हो गए, लाखपति हो गए, अच्छा जीवन जी रहे। और हम आपको बता दें, 18 साल से 25 साल ये जो उम्र है ना, एंजॉय करने का बहुत ही अच्छा उम्र है। मैं जब TSIP में जाता हूँ, कई सारे TSIP जाने का मौका मिला, अलग अलग विदेश घूमने का मौका मिला, देखते थे बहुत ही कम उम्र में, सबसे छोटे हम ही होते थे। तो कुछ फाइनेंशियली फ्री, हेल्थ का फ्रीडम मिलता है, टाइम का फ्रीडम मिलता है, सब कुछ यहाँ मिलता है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ जाएं तो। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, अभी तक भी हम अपने टॉपिक पे ही थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा चलते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पे। अब हम कुछ की पॉइंट्स बताएंगे इस बिजनेस के बारे में, जिसको आप सभी लोगों को समझना है। की पॉइंट्स कुछ हम बताएंगे कि युवाओं का नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन विकल्प कैसे हो सकता है युवाओं के लिए, यूथ के लिए, यंगस्टर के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन कैरियर का काम कैसे कर सकता है, इसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि हमारे देश को बस यही बातें करने वाले, क्यों हमारे देश के युवाओं को MLM कर, मैं यार सभी लोगों को बताएंगे। और मैं आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे जैसे 18, जितने भी लोग यंग है, 18, 20, 22, 25 बरस के लोग हैं, उनके लिए स्पेशल मेरा आज की टॉपिक है, आप इसके बारे में समझने का कोशिश करिएगा। और अगर कोई अपने पेरेंट्स के साथ देख रहे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ देख रहे हैं, तो उन्हें भी आपके लिए ये 10-15 मिनट आगे का ये बहुत ही बेहतरीन है, जिससे आप अपने घर के लोगों को आराम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए भेज सकते हैं। ये छोड़ दे, तो हम चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हमारे सभी हमारे देश के युवाओं को आखिरकार क्यों करनी चाहिए, उसकी पहला मैं पॉइंट्स बताता हूँ। अपने सपनों को सेटर होने से बचाने के लिए मेरा पहला पॉइंट है, यानी अपने सपने होने से बचाने के लिए आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, सपने देखते हैं, अंततः वो 20,000 की नौकरियां लेकर के अपने सपने को खत्म कर देते हैं। हमारे पास बड़े बड़े शोरूम हो, हमारे पर बढ़िया घर हो, हमारा बहुत बड़ा फैक्ट्री हो, बहुत बड़ी कंपनी हो, कंपनी के हम CEO हो, लेकिन फिर वो 25,000 की नौकरियां लेकर ले लेते हैं और वो अपने सपने को खत्म करते हैं। अब आपका ये सोचना है, आपका क्या सपना है? आपका सपना है बड़े अमीर बनना, करोड़पति अरबपति बनना। अगर आपका ये सपना है
क्योंकि अरबपति खरबपति अमीर बनने वाले सोच रखने वाले आदमी कभी 25,000 या 20,000 की नौकरी के बारे में वो सोच ही नहीं सकता। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना आपको आपके सपने होने से ये बचाता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो हमें सेकंड चांस देता है जिंदगी में अपने जीवन को बदलने। अगर कोई आदमी हुआ सब जगह मेहनत करने के बाद थक गया, हाथ पांव मारने के बाद कुछ भी नहीं मिला, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग आपको उसको दूसरा मौका देता है अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाने का, अगर आपने इस बिजनेस को बढ़िया से समझ लिया तो। अगर बहुत बड़े बड़े सपने हैं, माँ के लिए ये, मम्मी के लिए ये बनाना है, पिताजी के लिए गाड़ी खरीदना है, भाई के लिए लैपटॉप खरीदना है, उसको ये करना है, बहन को बहुत बढ़िया से शादी करना है, आपके पास जो भी सपने हैं वो सपने पूरे होंगे कब, जब आप उस तरह के काम करेंगे तब। अब 20,000 की नौकरी कर लेंगे तो नहीं हो सकता। आप पापा के लिए कार कैसे खरीद सकते हैं, मम्मी के लिए कार कैसे खरीद सकते हैं, अपने मम्मी पापा को आपका सपना है कि विदेश लेकर के घुमाने, 25,000 की नौकरी में आप खुद भी नहीं जा सकते, मम्मी पापा तो दूर है। इसी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है आपके सपने को खत्म होने से ये बचाता है। यहां पर अगर आपने समय दे दिया, यहां पर अगर आपने सीखने का कोशिश किया, समझने का कोशिश किया, आपको सारे सपने पूरे होंगे। बस एक दिन में तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने निरंतर इस बिजनेस को आगे लेकर के गया, सीखते रहे, लोगों से बात करते रहे, समझते रहे, एक ना एक दिन जिंदगी आपकी बदलनी तय है, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो हमारा ये पहला पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए करना चाहिए अगर आप सपने सारे सपने पूरे करना चाहते। दूसरा क्यू पॉइंट से हमारा युवाओं को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, इसकी दूसरा हमारा की पॉइंट है फॉर एक्स्ट्रा इनकम, फॉर एक्स्ट्रा इनकम। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, आप एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं, पॉकेट मनी के लिए आपको पापा से मांगना ना पड़े, अपना पॉकेट खर्चा आप खुद जनरेट करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर अगर पढ़ाई के साथ साथ भी अगर आप करते हैं ना, तो पढ़ाई के साथ साथ भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं आप, अपने पॉकेट मनी को आप पॉकेट मनी ले सकते हैं, पॉकेट मनी किसी से लेने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं, अपने खर्चे मेंटेन कर सकते हैं, अपने पढ़ाई का खर्च भी आप यहां से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं जहां तक हमें मालूम है वो सभी लोग 18 साल के उम्र होने के बाद वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स की टेंशन खत्म हो जाता है आगे की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करने का, वो लोग खुद अपने पैसे को जनरेट करता है आगे के लिए, फ्यूचर्स के लिए। तो आप ये हमें एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करता है, शुरुआत में आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, हाफ टाइम, जिस तरह से आप करना चाहें आप कर सकते, एक बेहतरीन कैरियर हमें यहां से मिलता है। प्लस हमारा जो तीसरा की पॉइंट है, हमारा तीसरा पॉइंट है, अगर आप अपनी एनर्जी को राइट चैनलाइज करना चाहते हैं तो, टू चेंज योर एनर्जी, अगर आप अपनी चाहते हैं सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर देखा जाए तो 18 से 25 साल का उम्र का जो होता है ना, मैंने पहले भी बताया, 18 बरस से 25 बरस का जो उम्र होता है वो एनर्जी से भरा हुआ होता है। ऐसे तो गैनोटर्मा अगर आप खाएंगे तो 70 बरस होने के बाद एनर्जी मेंटेन होता है, लेकिन आपको बता दूं जो 18 बरस से जो 25 बरस का 30 बरस का उम्र होता है वो एनर्जी तो रहता ही है, साथ में उसके अंदर में कुछ करने का ज्यादा सपना होता है। इसी के लिए एनर्जी को हम चैनलाइज कर सकते हैं वहां। और अगर देखा जाए, लेकिन अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो 18 से 25 साल के लोग क्या क्या कर रहे हैं,
क्या करने होते, 18 साल से 25 साल के लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ पढ़ाई 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 कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 18 से 25